बाउंडेड विथ एलिजियंस और लॉयल्टी, तो वह इंसान भी एक वफा से, एक निष्ठा से, एक वफादारी से, कर्तव्य निष्ठा से बाध्य होता है टुवार्ड्स रिजीम, शासन की तरफ, किसी और की तरफ नहीं, टुवार्ड्स नेचुरल। हमारा भी कुछ ना कुछ हमारे इंडिया के प्रति जो है कर्तव्य है, शासन की तरफ हम भी बाध्य है। उसने यदि हमें इंडियन कहा है तो नेचुरल है हम भी इंडिया को कुछ ना कुछ हमारे लीगल राइट्स और ड्यूटीज बनते हैं वो भी हमें निभाने पड़ेंगे। आगे करते हैं ना, आ जाएंगे भी, आ जाएंगे थोड़ी देर में, आ जाएंगे, रिकॉर्ड हो जाएगा वो बाद में ऐप देख लेंगे, मैंने मैसेज डाल रखा ना, वो तो आ जाएंगे बाद में, आ जाएंगे। आगे देखिए, वह व्यक्ति सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करता है, नेचुरल है, ये नागरिकता का बेनिफिट है। दैट पर्सन गेट सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, साथ चलेंगे चलेंगे तो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन वह व्यक्ति प्राप्त करता है। दैट पर्सन, जिसको आपने विधिक अधिकार दिए हैं, गेट्स, प्राप्त करता है क्या? सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, सुरक्षा, और वो प्राप्त करता है। ये सिटीजनशिप की डेफिनेशन चल रही है। प्रोविजन हैज बीन सिटीजन, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप पैसिव में सेंटेंस जा रहा है, हैव बीन दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं, हैव बीन प्रोवाइडेड या एक्सप्लेन, कुछ भी जो भी आपको याद आ जाए वक्त पर, प्रोवाइडेड, हैज बीन एक्सप्लेन और प्रोवाइडेड, एक्सप्लेन फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ये हमारा याद रखने वाला तरीका, फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ये याद रखना है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये थी सिटीजनशिप की डेफिनेशन, इसका लीगल ग्राउंड। आगे कहानी बहुत अच्छी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। किस आर्टिकल में हम एक्सप्लेन करेंगे वो सिटीजनशिप, आपके सिटीजनशिप की परिभाषा क्या होती है, एक शासन का आम आदमी के प्रति क्या ड्यूटीज है, और एक आम आदमी का शासन के प्रति क्या ड्यूटीज है वो समझ लीजिए। सिटीजनशिप इज ए प्रेस्टिजियस वर्ड फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, नागरिकता एक प्रतिष्ठित शब्द है किसी भी इंसान के लिए। व्हेन एनी रिजीम ऑफ कंट्री प्रोवाइड्स, यहाँ पर प्रोवाइड्स जो वर्ब है रिजीम के अकॉर्डिंग आएगी, चलते चलते एनपीएन रूल को रोटेट कर लो, नाउन प्रपोजिशन नाउन, पहले नाउन के अनुसार वर्ब आती है, provides legal right to any person, then such legal right is known as citizenship, ऐसा अधिकार नागरिकता माना जाता है, कहा जाता है। the person is bounded with allegiance and loyalty, वफा और निष्ठा से वो bound होता है, towards regime शासन के प्रति जवाबदेह होता है, amenable होता है, निष्ठा होती है, loyalty होती है, कुछ भी अच्छा वर्ड जो भी याद आ जाए वक्त पर। That person gets, वो person प्राप्त करता है, security and protection, सुरक्षा and संरक्षण, the provision of citizenship have been provided from article 5 to article 11 in constitution of India. पहला पैरा क्लियर, आइए सेकंड में चलते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है, ऐसे है। अब थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं कि नागरिकता की एक कहानी पैदा कहां से हुए, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कहां से शुरू हुआ, क्यों नागरिकता की जरूरत पड़ी, क्या हिंदुस्तान में जो लोग रहते थे वो क्या उस समय भारत के नागरिक नहीं थे क्या, बिफोर पार्टीशन। ये कहानी शुरू होती है पार्टीशन से, पार्टीशन की कहानी सुनो। सन 1947 में हिंदुस्तान भारत और पाकिस्तान में बट गया था, पैसिव में सेंटेंस जाएगा, हिंदुस्तान जो कंबाइंड था हमारा, हिंदुस्तान हैड बीन, पैसिव में है आप, डिवाइडेड इंटू, बट गया था, डिवाइडेड के साथ प्रपोजिशन इनटू आएगा, डिवाइडेड इनटू, बट गया था दो भागों में, इन टू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में बट गया था, नेम्ड एज,
जिनका नाम था, या भी छोड़ लगा दो, जिनका नाम था, विच नेम्ड वाज इंडिया एंड पाकिस्तान, जिनका नाम इंडिया और पाकिस्तान दिया गया, विच नेम्ड वाज इंडिया एंड पाकिस्तान। कहानी बैकग्राउंड स्टोरी में जा रही है, क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी से ही नागरिकता पैदा होगी। इस बंटवारे के दौरान काफी बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था। नरसंहार यानी कत्लेआम, बहुत अच्छा वर्ड, इसको भी शो करना जरूरी है। द कार्नेज जैसा फिल्मों में देखा है, द मैसिव कार्नेज, विशाल करो, मैसिव, इस वर्ड को इम्पोर्टेंट कर लेना, फर्स्ट टाइम आ रहा है, मैसिव कार्नेज, विशाल नरसंहार, विशाल कत्लेआम, हैड बीन हैपेंड, हैड बीन हैपेंड, द मैसिव कार्नेज हैड बीन हैपेंड, एक विशाल नरसंहार घटित हुआ था, विशाल नरसंहार हैपेंड हुआ था, एट द ह्यूज लेवल, बहुत बड़े पैमाने पर, एट ह्यूज लेवल। कहानी बैकग्राउंड में चल रही है तो थोड़ा सा पिक्चराइजेशन कर देते हैं पुरानी कहानी का, जहां से नागरिकता को पैदा होना पड़ा। फिर ह्यूज लेवल ड्यूरिंग दिस पार्टीशन, इस बंटवारे के दौरान, कहानी को पूरा समापन करेंगे, ड्यूरिंग दिस पार्टीशन, कंटेंट को कॉल करना सीख जाओ, इंग्लिश हम बड़ी चीज दी आपके लिए, कहानी कंटेंट कॉल करना बड़ी चीज है, ड्यूरिंग दिस पार्टीशन, इस बंटवारे के दौरान बहुत बड़ा नरसंहार कत्लेआम हुआ था, जैसा गदर फिल्म में दिखाया, बंटवारे की काफी फिल्मों में हमने कार्नेज को विटनेस किया। पूरा देश सांप्रदायिक हिंसा की लपटों में जल रहा था, द एंटायर कंट्री वॉज, जल रहा था, ये भी शो करना पड़ेगा क्योंकि वहीं से हमारी कहानी शुरू होगी, द एंटायर कंट्री वॉज वॉज बर्निंग, जल रहा था, किसमें जल रहा था, सांप्रदायिक हिंसा की लपटों में, बड़ा प्यारा वर्ड है, इन द फ्लेम्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, इन द फ्लेम्स, पूरा अंडरलाइन कर लेना, शो करने में मजा आता है, इन द फ्लेम्स ऑफ कम्युनल, कम्युनल सांप्रदायिक फ्लेम्स लपटे, कम्युनल वायलेंस, यदि वर्ड को सही समय पे कॉल कर गए आप, अंग्रेजी इज नॉट ए बिग इशू नाउ, वायलेंस, द एंटायर कंट्री वॉज बर्निंग इन द फ्लेम्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, वॉज बर्निंग इन द नेम ऑफ कम्युनल वायलेंस, और अल्पसंख्यक जुल्म और अत्याचार का सामना कर रहे थे, बहुत अच्छी बात, ये बैकग्राउंड सीन चल रहा है फिल्म का, इसी से आगे की फिल्म डायरेक्ट होगी, द माइनॉरिटीज, द माइनॉरिटीज क्या कर रहे थे, वर फेसिंग, सामना कर रहे थे, टेंस का ध्यान रखना है, दो चीजों का, पहला है जुल्म, इनिक्विटी, दूसरा है अत्याचार, अप्रेशन, इस तरीके से लिख लो कि अब पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, हाँ सिर्फ हिंदी में कंटेंट जरूर याद रखना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, इनिक्विटी एंड अप्रेशन, द माइनॉरिटीज वर फेसिंग, बंटवारा चल रहा है, बंटवारे का सीन चल रहा है, यू मान लो अब डायरेक्ट होगी आगे की कहानी, द माइनॉरिटीज वर फेसिंग इनिक्विटी एंड अप्रेशन, अल्पसंख्यक सामना कर रहे थे जुल्म और अत्याचार का, शो करना है हमें पूरी कहानी, तभी हमारा बैकग्राउंड आएगा, मगर दोनों देश के बीच समझौते के अनुसार ये तय किया गया कि अल्पसंख्यकों को यातना नहीं दी जानी चाहिए, सारी कहानी बना ली, अब आ रहे हैं आगे, द माइनॉरिटी शुड नॉट बी, पैसिव में जा रहे हैं आप बहुत धीरे धीरे, द माइनॉरिटीज पैसिव में, शुड नॉट बी टॉर्चर्ड, ये फैसला हुआ दोनों के मध्य उस समय, शुड नॉट बी टॉर्चर्ड, should not be tortured, should not be tortured, minorities को क्या है, torture नहीं किया जाना चाहिए, should not be tortured, according to the pact, उस समझौते के अनुसार, according
टू द पैक्ट, पैक्ट कहते हैं समझौते को, कॉम्प्रोमाइज नहीं आएगा, दो देशों के बीच जो समझौता होगा पैक्ट, बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन टू कंट्रीज। तो आगे की कहानी क्या कहती है वो समझिए आप। हिंदुस्तान हैड बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच नेम्ड वॉज इंडिया एंड पाकिस्तान, या यहां पर ऐसे भी कर सकते हो, हिंदुस्तान हैड बीन डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, बीच वाली कहानी को भूल जाओ तो चलेगा। द मैसिव कार्नेज, विशाल नरसंहार, हैड बीन हैपन्ड, हुआ था एट ह्यूज लेवल, एक बड़े पैमाने पर, ड्यूरिंग दिस पार्टीशन, इस बंटवारे के दौरान। फिर द एंटायर कंट्री वॉज बर्निंग, पूरा देश भभक रहा था, जल रहा था, इन द फ्लेम्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा की लपटों में, सांप्रदायिक हिंसा की आग में, इन द फ्लेम्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, द माइनॉरिटीज वर फेसिंग इनिक्विटी एंड अपरेशन, अल्पसंख्यक जुल्म और अत्याचार का सामना कर रहे थे। द माइनॉरिटी शुड नॉट बी टॉर्चर अकॉर्डिंग टू द पैक्ट बिटवीन टू कंट्रीज, और दो देशों के बीच जो ये वो टॉर्चर किया गया ये आपका समझौते के अनुसार। ये लाइनें आप ईडब्ल्यूएस में भी काम में ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस जो कौन 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 से संविधान संशोधन था, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस कौन से नंबर का संविधान संशोधन है, 106 ना, 106 है ना, इस पर भी ऐसे आ सकता है, मे बी 103 है, क्या 300, हाँ जो भी है 103 है या 106, 103 है ना, हाँ 103 संविधान संशोधन, ये ईडब्ल्यूएस वाला, इसको भी लपेट सकता है, इस ईडब्ल्यूएस को भी 103 में ला सकता है, वो कैसे भी टाइटल बदल देगा, वो टाइटल बदलेगा। और ये वाला कौन सा है, मोबिलाइजेशन बिल, आई सब लास्ट वाला कौन से नंबर का, ये 100 छह, ये लास्ट है ना, एक 106 ही है वो, फिर 103 है, सही है, इसको भी लपेटेगा, वो मैनेजर बिल्कुल भी लपेटेगा, पक्का है ये, कोई ना कोई ऐसा लपेटेगा जिसमें आपका वो ये पॉइंट अटकेगा जरूर। तो आप ये सेम कहानी ईडब्ल्यूएस में लगा देना, सेम कहानी ये 106 में लगा देना, लगेगी कि नहीं लगेगी, यहाँ पर औरत कर देना, माइनॉरिटीज की जगह औरत कर देना, फिर क्यों लगा लागू किया गया कि वुमेन शुड नॉट बी टॉर्चर्ड, 100 ये 106 में लगा दो, कहानी वही है, इसको घुमाना कहा है, बस वहां पे थोड़ी सी चाणक्य कितना डिप्लोमेटिक बुद्धि याद रख रहा, किसको हम कैसे घुमाएं, और कुछ भी नहीं है, बताओ घूम सकता है नहीं, 103 में चला जाएगा संविधान में, 106 में चला जाएगा, कहाँ लिखा हुआ है कि सिटीजनशिप पे लिखे, यहाँ पर माइनॉरिटीज है, वुमेन कर दो, वुमेन आया तभी तो 106 की जरूरत पड़ी ना, क्यों लाना पड़ा वुमेन रिजर्वेशन, क्यों लाना पड़ा, क्यों, क्योंकि औरत का यही हाल था, इनइक्विटी एंड अपरेशन। चलिए आगे चलिए। इस प्रकार हर व्यक्ति को नागरिकता उसके अस्तित्व की पहचान प्रदान करता है, नागरिकता के बेनिफिट देखिए, हम आज झंडा भी फहराते हैं तो इंडिया का हमें गर्व होता है कि साहब हम भारतीय हैं, गोल्ड मेडल जीता तो हम भारतीय हैं, हमने कुछ भी किया हम भारतीय हैं। तो देखिए, इन दिस वे सिटीजनशिप प्रोवाइड, इन दिस वे सिटीजनशिप प्रोवाइड, सिटीजनशिप प्रोवाइड्स, प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है वो देखिए आप, उसके अस्तित्व की पहचान, एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी पर्सन, या इसमें अलग पहचान लिखो अच्छा लगेगा, डिस्टिंग्विश्ड, ये वर्ड और भी अच्छा लगता है, डिस्टिंग्विश्ड एंटिटी, डिस्टिंग्विश्ड एंटिटी, अलग पहचान, इन दिस वे सिटीजन प्रोवाइड्स डिस्टिंग्विश एंटिटी टू एनी पर्सन, कितना अच्छा लगता है, भारतीय हैं, भारतीय झंडा है, भारतीय सॉन्ग है, टू एनी पर्सन, बहुत अच्छा वर्ड, डिस्टिंग्विश को अंडरलाइन करो, अलग पहचान। इस प्रकार नागरिकता प्रदान करती है अलग पहचान, अलग वजूद, अलग अस्तित्व, टू एनी पर्सन, किसी भी इंसान को, कैसे आगे चलती है कहानी को, इसी नागरिकता के अनुसार शासन के साए में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, ओविंग टू दिस, इस कारण, ओवी को शुरू लिख दोगे आप, ओवी के बाद रीजन नहीं लगाओगे आप, ओविंग टू दिस, इसमें रीजन नहीं लगाओगे क्योंकि ओविंग टू के साथ रीजन नहीं आता है, ओविंग टू दिस ही में एक्सरसाइज इज राइट, कर सकता है
संभावना है, ही मे एक्सरसाइज, वो काम में ले सकता है, ही मे एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज, हिज राइट्स, अपने अधिकार, अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जैसे अपन इंडियन है तो अपने अधिकार पाकिस्तान में नहीं कर सकते, अपन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बाउंडेड है अपन अंडर पेट्रोनेज ऑफ, पेट्रोनेज काफी बार यूज हुआ, पेट्रोनेज साए में हर ऐसे में आ रहा है, अंडर पेट्रोनेज ऑफ रिजीम, शासन के साए में, सत्ता के साए में, गवर्नमेंट के साए में, रिजीम, ओविंग टू दिस ही मे एक्सरसाइज, यानी कोई भी नागरिक एक्सरसाइज इज राइट, अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है अंडर पेट्रोनेज ऑफ रिजीम, शासन के साए में, और अपने कर्तव्यों को निभा सकता है, एंड परफॉर्म हिज ड्यूटी, एंड परफॉर्म हिज ड्यूटीज, नेचुरली सी बात अपनी भी ड्यूटीज है वो भी निभा सकते हैं, और व्यक्ति और शासन के इस कानूनी संबंध को नागरिकता कहा जाता है, फाइनलाइज अपनी एक शानदार रिलेशन आई, दिस लीगल रिलेशन, यही कानूनी संबंध, दिस लीगल रिलेशन, यही कानूनी संबंध इज कॉल्ड, उधर नॉन कर दिया था इधर कॉल्ड कर दो, कॉल्ड के साथ ऐसे नहीं आएगा, इस कॉल्ड जाना जाता है, कंसिडर किया जाता है, यहां पर कंसिडर भी कर सकते हो क्योंकि लॉ में कंसिडर वर्ड को यूज करना बहुत सही माना जाता है, कंसिडर्ड, ये कानूनी संबंध जाना जाता है, माना जाता है सिटीजनशिप, इसे ही नागरिकता कहते हैं, जिस पर हमारी कहानी अच्छा रोटेशन लेने जा रही है। अभी तो हमने कानून और सत्ता को जो है डिफाइन किया है, अब चलते हैं आगे। सिटीजनशिप को डिफाइन कर दिया आपने कि कानून के इस संबंध को, आगे आइए, आगे का कार्य चले, आगे सत्यवीर क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है चिराग, आगे चलिए। बंटवारे के बाद देश में विचित्र और पेचीदा माहौल पैदा हो गया था, विचित्र और पेचीदा माहौल, पेक्यूलियर एंड कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, बस वॉक से गेम खेलते जाइए आप, पेक्यूलियर एंड कॉम्प्लिकेटेड, पेक्यूलियर एंड कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हैड बीन, सिनेरियो हैड बीन पेक्यूलियर, विचित्र कॉम्प्लिकेटेड, आपका बड़ा अजीब सा पेचीदा पैदा हुआ था, हैड बीन क्या पैदा किया गया था, हैड बीन एंजेंडर्ड, एपीयूके के लिए तो बड़ी खतरनाक सेट किए इन्होंने, एसएससी लेवल की अंग्रेजी है आपके एपीयू की, बहुत खतरनाक, उसको क्वालिफाई करना और उसे नंबर लाना बहुत मजेदार चीज है, प्री में एसएससी लेवल दे दिया, एपीयू में प्री में 15 नंबर में एसएससी लेवल पूरा दे दिया कि पूरा पूरा पढ़ो आप, उसकी प्री की अंग्रेजी क्लियर करना मतलब कर लेगा जो थोड़ा सा ढंग से मेहनत होगी। आगे चलिए, दहशत के माहौल के कारण लोगों का अस्तित्व संकट में पड़ गया था, पढ़ने दो हमारी तो अंग्रेजी बढ़ रही है, द एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल, बस आप तो ग्रामर का ध्यान रखें, वोकैब से गेम खेलना बहुत अच्छा आता है मुझे, एग्जिस्टेंस या एंटिटी कर दो, एंटिटी ऑफ पीपल, लोगों का अस्तित्व, वजूद, वर्चस्व, खतरे में पड़ गया था, संकट में पड़ गया था, हैड फॉलन इनटू, पड़ गया था कि क्या करें, हम इंडिया के नागरिक हैं, बर्मा के हैं, भूटान के हैं, पता नहीं, हैड फॉलन इनटू, संकट को ही आपको लिखना है तो आप ट्रिब्यूलेशन लिखोगे, टी आर आई बी यू एल ए टी आई ओ एन, पहली बार आ रहा है संकट, और वहां पे भूल जाओ कि सर याद नहीं आया तो प्रॉब्लम लिख देना, और क्या होगा, याद ही नहीं आया तो आपको पेन ही रोकना है बस, टी आर आई बी यू एल ए टी आई ओ एन, प्योर हिंदी में संकट को ट्रिब्यूलेशन कहते हैं, तो द एंटिटी ऑफ पीपल हैड फॉलन इनटू ट्रिब्यूलेशन और प्रॉब्लम, संकट में पड़ गया था, नेचुरल है हम इंडिया के हैं कि भाग कर आए, जैसे कपूर परिवार है तो पाकिस्तान का, लेकिन अब इंडिया में आ गया तो सिटीजनशिप इंडिया की उन लोगों के पास, अब आगे लोगों को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए नागरिकता को पाना एक अहम सवाल बन गया था कि अब क्या करें, वी आर इंडियन और वी आर पाकिस्तानी, बीच में पड़ गए थे, इधर कुआ उधर खाई,
नागरिकता प्राप्त करना बड़े आराम से, टू गार्नर या गेट भी कर सकते हैं, टू गार्नर या गेट सिटीजनशिप, सिटीजनशिप बन गया था हैड बिकम एक महत्वपूर्ण हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू गार्नर गेट सिटीजनशिप हैड बिकम एक अहम सवाल, मैंने अहम बोला है, ए सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, हिंदी में भी ऐसे लिखोगे आप, ए सिग्निफिकेंट क्वेश्चन एक अहम सवाल बन गया था, ए सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, टू गार्नर और गेट ए सिग्निफिकेंट क्वेश्चन एक अहम सवाल बन गया था, क्या कहना, क्या करने के लिए, टू प्रूव दियर आइडेंटिटी, ये तो बता दो हिंदू है कि मुस्लिम है, इस लाइन को इंपोर्टेंट कर लेना, टू प्रूव दियर आइडेंटिटी, अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए नागरिकता को प्राप्त करना एक अहम सवाल बन गया था, इस लाइन को इंपोर्टेंट कर लेना, टू गार्नर और गेट सिटीजनशिप हैड बिकम इस सिग्निफिकेंट क्वेश्चन एक अहम सवाल बन गया था, वाय क्या रोटी थोड़ी मिलेगी उससे, क्या खून थोड़ी बढ़ेगा उससे, नहीं, टू प्रूव दियर आइडेंटिटी, ये बताओ कि भैया तुम आप बेसिकली नागरिक कहाँ हो, तुम्हें कहाँ कंसिडर करें और क्यों कंसिडर करें, यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता चाहिए क्यों, आइडेंटिफाई अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, इवन जीते जी नहीं मरने के बाद भी सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई होगा कि ये इंडियन है कि पाकिस्तानी है, सबसे पहले तो कहानी वहीं से शुरू होगी, यदि वो कहानी प्रूव नहीं होती है तो पुलिस के लिए ये समझ भी नहीं आएगा कि पाकिस्तान था कि इंडियन था, टूरिस्ट था कि कौन था, तो आइडेंटिटी को तो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा सिटीजनशिप के आधार पर। नेक्स्ट आइए, इसी संदर्भ में नागरिकता के दायरे में सेंटेंस को पकड़ना, इसी संदर्भ में नागरिकता के दायरे में नागरिकों को लाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 लागू हुआ था, पहला पॉइंट, नागरिकता अधिनियम 1955 ये पहली बार लागू हुआ था, वहां से कहानी शुरू हुई थी और यहाँ पे आके खत्म हुई, सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 याद रखना पड़ेगा क्योंकि डेटा है, इसके बिना आप ये आगे मूव नहीं कर सकते। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैड फर्स्ट टाइम लागू हुआ था, हैड बीन किसके द्वारा पता नहीं, इम्पोज्ड किसके द्वारा लागू हुआ ये भी चाहिए भी नहीं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैड बीन कर लेना, इम्पोज टू पुट द सिटीजन काहे के लिए, इम्पोज टू पुट द सिटीजन जो भी नागरिक थे उस समय के, सिटीजन्स टू पुट द सिटीजन्स इनटू एम्बिट ऑफ टू पुट द सिटीजन्स पर्सन्स करो सिटीजनशिप पास, पुट द सिटीजन्स इनटू एम्बिट ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप नागरिकता के दायरे में लाने के लिए 1955 में आपकी पहली कहानी शुरू होती है, यहां से जो 2019 में आके खत्म हुई थी, कैसे खत्म हुई थी वो बाद की बात है। आगे देखिए, जब किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, पहली कंडीशन, व्हेन एनी पर्सन बोर्न इन इंडिया, व्हेन एनी पर्सन ये इसकी पहली शर्त, व्हेन एनी पर्सन और हिज पेरेंट्स, दो चीजें दो कंडीशन, पहली कंडीशन में दो कंडीशन, जैसे अपने अपन अपने दादा बाप पर दादा सब यही के हैं, व्हेन एनी पर्सन और हिज पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, पहली कंडीशन जो सबके लिए एप्लीकेबल है, आप पाकिस्तान से नहीं आए, कपूर परिवार पाकिस्तान से आया था, उनके आज भी मकान है वहां पर, उस वो उनको भी मेंशन करेंगे अपन, जो राज कपूर है, पृथ्वीराज कपूर जो है वहां के थे आपके लाहौर के, फिर वो इंडिया में आए, वेन एनी पर्सन और इज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया तो देन ही विल गेन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, देन ही विल गेन प्राप्त करना सिटीजनशिप ऑफ इंडिया,
अब ये दिखने में टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन इसके कंटेंट कहाँ से लाओगे जब तक आपने इस पर अध्ययन ना कर रखा हो। बोले नागरिकता बहुत इजी टॉपिक है, लाओ कंटेंट कहाँ से लाओगे? 1955 पता नहीं, बंटवारा पता नहीं, तो फिर हमारे कंटेंट कहाँ से आएंगे? और हमें तो फिर भी बिड़ा बिड़ू के लिख दो, इससे तो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कुछ ऐसे ऐसे आ रहे हैं अपने पास जिनमें आपको, जैसे ये वुमेन अमेंडमेंट, ये जो बिल आया है रिजर्वेशन बिल, एकदम एक्यूरेट नॉलेज चाहिए। आप पर डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। एंड एनी पर्सन हू इज पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया देन ही विल गेन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी जैसे हम लोगों को मिली हुई है। पहला, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से भारत में रह रहा हो। दूसरा, इफ एनी पर्सन हैज बीन, दूसरी कंडीशन ये वहां पर अपन को मेंशन करनी पड़ेगी, याद नहीं आती है। इफ एनी पर्सन, बहुत लंबा समय हो गया, हैज बीन, जैसे कपूर परिवार, हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर वेरी, हैज बीन का यूज किया है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से भारत में रह रहा हो, तो he will deserve to get, फिर हमने उसको थोड़ा घुमा दिया। इफ की कंडीशन चल रही है डायरेक्ट, याद रखना, देखो इफ की कंडीशन फॉलो हो रही है। he will get, he will deserve, वो deserve करेगा, वो योग्य होगा कि साहब ले सकते हो आप भारत की। he will deserve to get, वो भी deserve करेगा। He will deserve to get citizenship of India. Citizenship of India. ये वो ऐसे हैं जो दिखने में बहुत इजी होते हैं पर इनके कंटेंट ढूंढे नहीं मिलते हैं। अभी देखना जब आप पूरा ऐसे करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस पर ऐसे आ जाता तो हम क्या लिखते, वास्तव में क्या लिखते, बड़ी दिक्कत वाला काम है। क्यों? क्योंकि अभी वहां पर प्रॉपर मिलता ही नहीं है। He will deserve to get citizenship of India. और तीसरा, इस प्रकार कोई व्यक्ति कई नियमों का पालन करके भारत का नागरिक बन सकता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति कई नियमों का पालन करके, फिर करके आ गया, करके आ गया, तो बुलाओ हैविंग को, हैविंग को बुलाओ बड़े प्यार से, हैविंग बुलाओ थर्ड फॉर्म को, कॉम्प्लाइड विथ, हैविंग कॉम्प्लाइड विथ, बहुत सारे नियमों का पालन करके, कई तरह के नियमों का पालन करके, हैविंग के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म, हैविंग कॉम्प्लाइड विथ टू मैनी रूल्स। यहां पर मैंने देखो जानबूझ के टू लिखा है क्योंकि मैनी ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, टू लगाना जरूरी है। हैविंग कॉम्प्लाइड विथ टू मैनी रूल्स, बहुत अच्छे से, बहुत धीरे से, बहुत सारे नियमों का पालन करके, करके आगे वह भारत का नागरिक बन सकता है। एनी, लेकिन रूल फॉलो करेगा, एनी पर्सन कैन बिकम, एनी पर्सन कैन के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, ये रूल हो गया, ये भी आपका रूल है, हैविंग के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म है, एनी पर्सन कैन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, बहुत सारे नियमों का पालन करके कोई भी पर्सन आपके भारत का नागरिक बन सकता है। चलिए एक और, हमारा विश्व के विभिन्न देशों में नागरिकता प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं, अलग अलग देशों में। क्लियर यहां तक? अशोक चले आगे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैड बीन इम्पोज्ड टू पुट द सिटीजन इनटू एम्बिट ऑफ सिटीजनशिप। When any person or his parents born in India, पहला रूल, then he will gain citizenship of India, पहला। If any person has been, दूसरा point, if any person has been living in India for very long time, लंबे समय से भारत में रह रहा हो, माँ बाप तो पैदा नहीं हुए लेकिन वो रह रहा हो, तो he will deserve to get citizenship of India, उसे भारत की नागरिकता का अधिकारी है। और तीसरा, having complied with too many rules, having complied with too many rules, बहुत सारे नियमों का पालन करके एनी पर्सन कैन बिकम सिटीजनशिप और सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आइए, डिफरेंट प्रोविजंस, अलग अलग प्रोविजंस है अलग अलग देशों की, कोई वो शादी कर लेता है, कुछ और है, डिफरेंट प्रोविजंस हैड बीन, बना हैव बीन कर लो, हैव बीन,
बनाए गए हैं, कानून हमेशा इनेक्ट होता है, इनेक्टेड। डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस हैव बीन इनेक्टेड इन वेरियस कंट्रीज, अलग अलग देशों में, इन वेरियस अलग अलग देशों में कानून सिटीजनशिप प्राप्त करने के जो है कानून बनाए गए हैं ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग देशों में। बस आपका पैन नहीं रुकना चाहिए वहां पर, खटाखट तीन ऐसे छाप देना, काहे के लिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए, टू प्रोकर सिटीजनशिप नागरिकता प्राप्त करने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग कानून बनाए गए हैं। डिफरेंट प्रोविजंस हैव बीन इनेक्टेड इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू प्रोकर यानी प्राप्त करना सिटीजनशिप, नागरिकता प्राप्त करने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं, प्रोकर किए गए हैं। आगे इस दिशा में अब आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम, भारत की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा, अंडरलाइन कर लेना और कहीं भी लगा सकते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विल प्रूव, आगे की लाइन बनाते चलो आप लोग, विल प्रूव लिख चुके हैं, विल प्रूव माइलस्टोन साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विल प्रूव माइलस्टोन, नागरिकता संशोधन अधिनियम सिद्ध होगा मील का पत्थर, काहे के लिए, फॉर लीप्स एंड बाउंड प्रोग्रेस, देश की दिन दुगनी, ये तो झंझट खत्म हुआ ना, ये साहब कहाँ नागरिक है, कौन रेफ्यूजी है, लीप्स एंड बाउंड प्रोग्रेस, रामबाण लाइनें हैं जो सब जगह चल रही है, प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, देश की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, क्या CAA 1955 से कहानी शुरू हुई थी, 2019 में इस कहानी का एक्ट बनकर अंत हो गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विल प्रूव माइलस्टोन फॉर लीव्स एंड बाउंड प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, ये हमने इसको दिशा दी। और सबसे लास्ट लाइन, ये अधिनियम मकड़ी के जाले के समान कई समस्याओं का हल कर देगा, मकड़ी के जाला, बड़ा अच्छा वर्ड हाथ लगा है। दिस एक्ट विल, कुछ भी लिख सकते हो, दिस एक्ट विल वाइप आउट आप काफी यूज कर सकते हो, जड़ सहित उखाड़ना, जड़ सहित मिटाना, दिस एक्ट विल वाइप आउट, भस्म करना आ जाए तो इंसिनरेट कर देना, भस्म करने का आ जाए तो इंसिनरेट कर देना, प्रॉब्लम के साथ ये वर्ड अच्छे लगते हैं, इंसिनरेट, वाइप आउट एंड तो कॉमन वर्ड है। दिस एक्ट विल वाइप आउट, ये जो एक्ट है जड़ सहित उखाड़ देगा, किसको, जड़ सहित उखाड़ देगा, समाप्त कर देगा, हल करने के लिए आए तो कॉप विथ भी कर सकते हो, कॉप विथ भी कर सकते हैं, हल ही आए पर हल अच्छा नहीं लग रहा, हल थोड़ी हो गया तो जड़ सहित जाएगी। दिस एक्ट विल वाइप आउट, जड़ सहित उखाड़ना, भस्म करना, हल करना, ऑल द प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स का, किसकी तरह, जो मकड़ी के जाले की तरह है, अकिन टू, ये एक अच्छा कंपेरिजन, अकिन टू कॉबैब ऑफ लॉ, कानून के जाले की तरह जो समस्याएं थी उनको ये एक्ट जो है आपका हल कर देगा, समाप्त कर देगा, जड़ सहित कर देगा। इसमें एक लाइन और लिखो जो मेरे को अभी अभी याद आई है, आफत का पिटारा खोल देना, क्या फ्रेज आएगी, आफत का पिटारा खोल देना, बहुत अच्छी, अभी याद आया मेरे को, ये याद ही नहीं आई थी, यहाँ पर सेट हो सकती है कि विभाजन ने हिंदुस्तान के लिए या दोनों देशों के लिए आफत का पिटारा खोल दिया था, कहाँ सेट होती है वो वाली बात है, देखो पार्टीशन हैड
बड़ी प्यारी फ्रेज है, बहुत अच्छी यूज होती है, बहुत ही अच्छी यूज है। आफत का पिटारा खोल देना, ओपन पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स कहीं भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी फ्रेज है। ओपन पेंडोरा बॉक्स, ओपन पेंडोरा बॉक्स, आफत का पिटारा खोल दिया था। फॉर बॉथ नेशंस, फॉर द बॉथ कंट्रीज, अब इसको आप अपने तीन कानून लिखे थे वहां पर भी ले सकते हो कि ये तीन कानून आए हैं, ये अपराधियों के लिए आफत का पिटारा खोल दिया। आ जा भैया, एक में आ जाएगा दूसरे में लपेट देगा, दूसरे में जाएगा तीसरे में लपेट देगा। ओपन पेंडोरा बॉक्स, PANDOR, आफत का पिटारा खोल देना, ओपन पेंडोरा बॉक्स। जब आपको याद है भंवरी देवी का मर्डर हुआ था, तब आई थी ये फ्रेज कि भंवरी देवी मर्डर केस, ओपन पेंडोरा बॉक्स फॉर द कांग्रेस। आफत का पिटारा खोल दिया कि किसको तो रिजाइन करवाएं, किसको रखें, और कोरोना को ले लो, ईवेस्ट को ले लो, ईवेस्ट आ गया, ओपन पेंडोरा बॉक्स। आज अपन मोबाइल यूज करें तो प्रॉब्लम में, नहीं करें तो प्रॉब्लम में, लेकिन ईवेस्ट आएगा तो ओपन पेंडोरा बॉक्स तो आएगा ही आएगा। कहीं पर भी रामबाण फ्रेज अभी अभी याद आई तो इसको यूज कर लो। ओपन पेंडोरा बॉक्स का मतलब है आफत का पिटारा खोल देना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, यानी स्पेट में जो आफत आएगी वो आफत का पिटारा खोल देना। क्लियर, एक बार रिपीट करते हैं। डिफरेंट प्रोविजंस हैव बीन इनेक्टेड, इनेक्ट यानी कानून एक्ट होता है, इन वेरियस कंट्रीज, अलग अलग देशों में। क्यों प्रकार इसके बारे में बात चल रही है, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विल प्रूव माइलस्टोन, माइलस्टोन फॉर लीप्स एंड बाउंड प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। दिस एक्ट विल वाइप आउट और इंसिनरेट और कॉप विथ ऑल द प्रॉब्लम्स अकी टू कॉबैक ऑफ फ्लो। पार्टीशन हैड ओपन खोल दिया था कि ये पाकिस्तान में जाए, नेपाल में जाए, यहाँ रहे, रेफ्यूजी रहे, इलिसिट नागरिक है, था कि नहीं था, ओपन पेंडोरा बॉक्स था नहीं था। तो जो चीज जहां सेट होती है हम उस चीज को वहीं पर कॉल करेंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड क्लियर। इसकी लैंग्वेज आसान है पर इसके कंटेंट डिफिकल्ट है। लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आ रही है पर कंटेंट ही नहीं आया तो क्या लिखे, बैठ गए भाई, अब ऐसे करके नहीं बैठना, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाथ शुरू हो जाए तो रुकना नहीं चाहिए बस, और वहां जाते जाते तो अभी पता नहीं अपन पूरी महाभारत से खेल जाएंगे, इसलिए